हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी एक स्वादिष्ट सा चीला सुबह के नाश्ते में। ये मैंने एक भगोना ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है 2-3 चम्मच बेसन। अब इसमें डालूंगी पत्ता गोभी है, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरी प्याज और ये गाजर है, और ये है टमाटर। अब इसको करूंगी मैं पहले एक घोल बनाऊंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल बनाएंगे। वो पानी आराम आराम से डाल के थोड़ा थोड़ा करके ही घोल बनाएंगे, नहीं तो इसमें अगर एकदम पानी डाल देंगे तो इसमें गाँठें पड़ जाएंगी। देखिए इसमें कोई भी गाँठ नहीं है। हम इसमें और पानी डाल देंगे और इस पतला से एक घोल बनाऊंगी। इसको बनाने में लग जाते हैं आपके 5 मिनट। और ये देखिए, ये अच्छे से जितना फैटेंगे उतना ही अच्छा एक घोल बन गया। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया। अब इसमें ये डाल देंगे गाजर और जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने जो काटी है वो सारी इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये देखिए बहुत स्वादिष्ट चीला बनता है ये। एक बार ज़रूर आप इस तरह का नाश्ता बनाना, और बहुत इजी भी है बनाना ये। इसमें जीरा अजवाइन भी डाल दिया, लाल मिर्ची, और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे जीरा और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे दालचीनी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये जब मिक्स हो जाएगा इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना और तवा गरम कर लेंगे। तवा गरम हो चुका, इस पर मैंने डाल दिया घी और ये बैटर में डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं फैला दूँगी। बहुत आसानी से बनने वाला चीला है ये। ये देखिए इसमें ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। साइडों में थोड़ा तेल लगा दें और फिर इसको आराम से पलट देना। ये देखिए ये पलटने के बाद कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका। और ये दूसरी तरफ थोड़ा सा ही सेकना है और ये बन के हो जाएगा रेडी आपका नाश्ता, हेल्दी सा नाश्ता। ये मैं और बना रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखा दूँगी ये कितना सॉफ्ट और अच्छा ये बन के तैयार हुआ है नाश्ता। ये बेसन का मतलब चीला है, पराठा है, कुछ भी कह सकते हो आप। ये देखिए अब मैंने सबके लिए नाश्ते में बना दिए हैं ये, और इसके साथ बनाई मैंने ग्रीन हरी मिर्च की चटनी। ये बहुत टेस्ट और स्वादिष्ट है। अगर आपने चटनी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो वॉच कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा चटनी मैंने कैसे बनाई है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा पिज़्ज़ा को फील करने वाला ये नाश्ता बन के तैयार हो गया।